करते हम श्लोक संख्या 22 को आज देखने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमने काफी हद तक पहला अध्याय पूर्ण करने के जो हमने शुरुआत की थी उस जर्नी में पहुंच चुके हैं। तो हम इस अध्याय को अभी श्लोक यहाँ पर आप सबको दिखाता हूँ। रिक्वेस्ट परमिशन मांग रहा है, एक मिनट चला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मेरे ख्याल से नहीं आ रहा। तो कितना मेरे बीच में हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयन्ती नष्टकायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके नष्टभक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय अभिनन्दनाय च जगदगोपकुमाराय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा। त्वं नः सदर्शितो धात्रा दुस्तरम् निस्तिकीर्षतम् कलिप्सत्वहरम् पुंसां कर्णधारः। कर्णधारः प्रव इव त्वं नः सदर्शितो संदर्शितो दुस्तरम् दुस्तरम् निस्तिर्षताम् निस्तितीर्षता कलिप्सत्वहरम् पुंसां कर्णधारः इव अर्णवम्। त्वं नः सन्दर्शितः धात्रा दुस्तरम् निस्तिकीर्षताम् कलिप्सत्वहरम् पुंसां कर्णधारः इव अर्णवम्। इसका मतलब अब मैं पढ़ता हूं। तो मतलब आपने नह हम सबों को सदर्शितः मिलाया है धात्रा भाग्य से, दुष्कर दुर्लभ्य निस्तिकीर्षता पार करने की इच्छा करने वालों के लिए कलि कलियुग को, सत्वहरण अच्छे गुणों को हरण करने वाला पुंसा मनुष्य का, कर्णधारः कप्तान इव सदृशः अर्णवम् समुद्रः। ट्रांसलेशन एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले उस कलियुग दुर्लभ्य सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकते। तात्पर्य, कलियुग के मनुष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार की ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करलता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी, लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्तंभ में दी गई है। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग
इंद्रिया तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त है कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वर्षाओं में भेजा जा रहा है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस घोर कलियुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और श्री सुत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवत या भगवद गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञातिरांधस्य ज्ञानांजन शरणं चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिचय सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यह जो हमने जर्नी शुरू की थी उसके आज हम 22वें श्लोक पर पहुंच चुके हैं, और कल हम 23वां श्लोक देखेंगे जब इस पहले अध्याय का अंत होने वाला है। तो अब तक हमने देखा कि सभी जो मुनि लोग वहां एकत्रित हुए थे, सब लोगों ने श्री गोस्वामी जी को अपना गुरु स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि अभी हमसे ही इनसे ही हमें ठीक से हमें सब कुछ सुनना है, और उसी को आगे बताने के लिए हमें आपसे ही क्यों सुनना है। तो भैया इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि भाई हम आपको उस कप्तान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं जो एक जहाज का कप्तान है जो हमें इस पूरे भवसागर से दूर ले जाने वाला है। और वे कहते हैं कि ये केवल भगवान की ही इच्छा थी कि आप जैसे योग्य गुरु हमें प्राप्त हुआ, वरना यह कलियुग जो मनुष्य को नष्ट करने के समान सागर है उसमें से तैरने के लिए हमारे मन में जो इच्छा निर्माण हुई है उस इच्छा को पूरा करने के लिए केवल भगवान ने ही हमें भेजा है। इसको बताते हुए प्रभुपाद जी हमें बताते हैं इस श्लोक में कि तात्पर्य के वक्त कि कैसे यह कलियुग हम सबके लिए एक काफी बड़ी चुनौती। कलियुग के बारे में पूरा वर्णन 12वें अध्याय में 12वें स्कंध में है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कैसे तकलीफ पड़ने वाली वगैरह। लेकिन एक चीज जो इसमें वो बताते हैं कि कलियुग ऐसा समय है जहाँ पर हमारी आयु जो है वो घटती रहे और हमारी समस्याएं बढ़ती रहे, और यदि ऐसा सब कुछ होने वाला है और यदि मनुष्य जन्म हमें प्राप्त मिला है तो उस मनुष्य जन्म का हमें जो
सही इस्तेमाल करना है वो करने के लिए हमें योग्य मार्गदर्शन करने वाली गुरु की आवश्यकता है। और इसी के अनुरूप फिर आगे बढ़ाते हैं, जैसे आज हम देख रहे हैं तो आज हमारे जगन्नाथ जी बीमार पड़े हुए, कलियुग का ही प्रभाव। जैसे कल एक माता जी हमें मिले हैं, उन्हें पूछ रहे थे कि कोई एक बीमार है उनके परिवार में, तो उनके ये परिवार की बीमारी जो आई है वो क्यों आई है, ये समस्या उनके परिवार में एक साथ को काफी आई है, पहले देहांत हो गया किसी प्रभु जी का और बच्चा है काफी छोटा है, और फिर भी कैंसर जैसी बीमारी आ गई और अचानक से आ गई, और अभी इस बीमारी का हम कैसे इलाज करें, क्यों हो रहा है। तो उस वक्त एक डॉक्टर बोलते उन्होंने मुझे ये पूछा था, लेकिन जवाब देने के लिए मन में ये आ रहा था कि मैं उन्हें समझाऊं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है वह तो इस नियम है और जो शाश्वत, आज नहीं तो कल हमें हर किसी को बीमारी आने वाली, जरा जो है वो आना ही है, व्याधि आनी ही है, और अंतिम सत्य जो है वह है मृत्यु। तो अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे प्राप्त करें। मृत्यु किसी को भी आनी है, तो कौन मृत्यु में यशस्वी होगा, कौन मृत्यु में यश प्राप्त करेगा, वही भगवत धाम वापिस जाता है। वरना कृष्ण भगवान ने कहा ही है यथा देहांतर प्राप्ति, हमें केवल मृत्यु एक देह से दूसरे देह में हमारी आत्मा को ले जाने वाली, पर यदि हमें इस देहांतर प्राप्ति से बाहर निकलना है, परे निकलना है, तो हमें हमारे इस मनुष्य जन्म का सही इस्तेमाल करना है। प्रश्न यह निर्माण होता है कि मैं मनुष्य जन्म में ही, या हम मृत्यु ही क्यों प्राप्त करें, हमें दुख ही क्यों आ रहे हैं। उस पर एक मैं लेक्चर सुन रहा था, तो गौर गोपाल प्रभु जी ने काफी अच्छे से इसका वर्णन किया, हमें दुख क्यों होता है, या हमें दुख जो होता है उन दुखों के बारे में क्यों जाना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारा किसी के प्रति हम जैसे ही हम बॉडी की अटैचमेंट रखते हैं या किसी के प्रति अटैच हो जाते हैं, पर यदि वो हमसे दूर हो जाए तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमें उनकी तरफ से कोई ना कोई आशा होती है, और इसीलिए हम मराठी में बोलते हैं आशा तो उम्मीद निराशा, इसीलिए आशा रखने से बचिए, किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए। निरपेक्ष भाव से जब हम जीना सीखते हैं, निरपेक्ष भाव से जब हम कुछ भी करते हैं, जब हम कुछ भी कर्म करते हैं वो अकर्म करते हैं और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देंगे, तो हमें कहीं पर भी उसका फल किसी अच्छे लाभ के अनुरूप या निराशा के अनुरूप दोनों भी प्राप्त नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखते हैं कि कोई बच्चा कॉलेज जा रहा है, तो प्रायः ऐसा होता है कि आजकल कॉलेज हॉस्टेलों में रहना पड़ता है, कॉलेज दूसरे शहरों में होता है, या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है बड़े से बड़े कॉलेजों में जाए, विद्यालय में जाए, महाविद्यालय में जाए, और वे भौतिक ज्ञान प्राप्त करें। उसके ऊपर लोग बातचीत तो यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं कि ये जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, यह एक्चुअली क्या है, वधशाला है। उन्होंने क्या शब्द यूज किया, वधशाला, क्योंकि यहाँ पर उनके आत्मा का दहन किया जा रहा है, उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें भौतिकता का ज्ञान दिया जा रहा है, और उस भौतिकता के ज्ञान में वे अपनी असली पहचान जो है, असली कर्म जो है, वे भूल जाने वाले हैं, और इसीलिए प्रभुपाद जी उसे वधशाला है। पर फिर भी जब एक बच्चा अपने माँ से दूर होता है, पापा से दूर होता है, तो उसे डर लगता है, और जैसे ही ट्रेन शुरू होती है इधर माँ और पापा भी, अरे मेरा बच्चा जा रहा है, मेरा बच्चा जा रहा है, और दुख के सागर में डूब जाए। होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों तक आप साथ में। उसी से दूसरा उदाहरण आता है, ऐसे ही होता है कि सपोज हमारी जेब से एक रुपया गिर गया, घूम गया, दुख होता है, 10 रुपया घूम गया, दुख होता है, 100 रुपया घूमना थोड़ा ज्यादा दुख हो जाए, 1000 रुपए की नोट गिर जाए, 2000 की नोट गिर जाए, बहुत ज्यादा दुख। और यदि हमारा 10,000 का नुकसान हो जाए तो दुख 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 दुख।
और लाख रुपया कहीं से अपना नुकसान हो गया तो अरे मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। और 10 लाख का नुकसान हो गया तो मैं डूब गया, मेरा नुकसान हो गया, दुख में भर जाते हैं। यदि हमारे इस शरीर को कोई चोट लग जाती है, जैसे प्राय हम किचन में काम करते हैं, चाकू का इस्तेमाल करते हैं, कट जाता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, मलम पट्टी करते हैं तो धीरे धीरे दर्द दूर हो जाता। हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए और कटने के बजाय, कट लगने के बजाय वो पूरा उंगली ही कट जाए, उंगली ही निकाल लेनी पड़े, बहुत दर्द होगा, मेरा उंगली चला गया और वहां पे इतना दर्द है। धीरे धीरे वो शरीर का दर्द दूर हो जाए, तो मन में हमेशा दर्द रहेगा कि मेरी एक उंगली नहीं। तो हर जगह हमें दर्द दुख मिलते हैं। सोचिए ये तो क्षणिक का नुकसान, जब बच्चा कॉलेज गया, ट्रेन से कहीं दूर गया, काफी शांति मिलने वाला, हमारा पैसा लाखों का नुकसान हो गया, तो हो सकता है कल हम वापस मेहनत शुरू करें, जीवन की पूरी फिर से शुरुआत करें, लाखों के बजाय करोड़ों का हमें फिर से फायदा हो जाए। आज हमारे एक छोटा सा कट लगा था, वो कट लगने से मलम पट्टी की वो ठीक हो गया, तो हमारा दुख दूर हो गया। उंगली कट गई, चली गई, पर हो सकता है किसी अच्छे डॉक्टर के पास हम चले गए थे और उस डॉक्टर ने उस उंगली को फिर से जोड़ दिया। पर जब मृत्यु आएगी तब क्या होगा? जिस बच्चे के थोड़े से जाने के उपरांत हमें इतना दुख हुआ, मैं तो उसे हमेशा के लिए छोड़ जिन पैसों के नुकसान से हमें दुख हुआ, वो सब पैसे हमें यही छोड़ के जाने हैं। जिस एक शरीर के कटने से या शरीर के एक भाग के दूर होने से हमें दर्द हुआ, दुख हुआ, वो शरीर पूरा हमें छोड़ देना है, तो सोचिए हमें जब हमारी अंतिम परीक्षा होने वाली है, मृत्यु आने वाली है, तब तो ये हमेशा हमेशा के लिए छोड़, तब कितना दर्द होगा। उसका उदाहरण देते हुए उसका एक हमें एहसास होना चाहिए। इसके कहा जाता है कि इट्स लाइक 42,000 स्कॉर्पियंस एक साथ आपको काटे, इतना वो ज्यादा दर्द। यदि उस दर्द को हमें सहना नहीं है बार बार, तो हमें इस मनुष्य जन्म में ही प्रयास करने पड़ेगा, वरना हर बार आपका जन्म होगा, हर बार मृत्यु आएगी और हर बार यही दर्द। और ब्रह्मा जी यहाँ पर वही कहते हैं कि हमें इस मनुष्य जन्म का इस्तेमाल करना ही होगा। बहुनाम जन्मनाम अंते मनुष्य जन्म हमें प्राप्त होता है, अनेकों अनेकों जन्मों के बाद हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और केवल मनुष्य जन्म ही है जिसमें हम जो प्रयास कर सकते हैं, किसी और योनि में हमें यह प्राप्ति ही नहीं, हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे जन्म का उपलक्ष्य क्या है, हमारे जन्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, यह हम किसी और योनि में नहीं सोच सकते, ये केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। और इसीलिए यहाँ पर जब मुनि लोग बोल रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ के सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप ग्रहण कर सके, इसलिए भगवान ने आपको भेजा है। तो यहाँ पर कितना उन्होंने सरलता से बताया है कि क्यों हमें उन्हें स्वीकार करना है। सभी मुनियों ने यह समझ लिया है कि इस कलियुग के सागर को तैरने के लिए यही जन्म से, और इस जन्म को यदि हमें पार करना है तो हमें अच्छे गुरु की आवश्यकता होगी। अच्छा गुरु को होता है वही जो भगवान ने जो कहा वही चीज बोले, जो गुरु परंपरा में बोला गया है वही चीज बोले, उसी का ज्ञान है वही सच्चा गुरु। और ऐसे गुरु का हमें स्वीकार कर उसके मार्गदर्शन में हमारे इस जीवन को सफल बनाना जरूरी। हम सबका परम सौभाग्य है प्रभुपाद जी ने इस संस्था को स्थापन किया, और
सभी गुरुओं ने उनके आदेश का पालन करते रहे और हम भी वही करें। आपने देखा होगा कि जब हमने इस श्लोक का आज का जो भागवतम का हमारा जो चर्चा थी उसकी शुरुआत की, तो मैंने सोचा कि हमें सबसे पहले उन्हीं गुरु से उनके द्वारा ये प्रचार की है, भगवान की शक्ति सभी को दी है, इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों का उन्होंने जीवन का उद्धार किया है, उस प्रथा को उनके आदेशों को हम भी पालन करें। हमारे लिए इस कलयुग में ये बहुत आसान किया है। शिक्षाएं शास्त्रों में अनेक होती है, उन शिक्षाओं का सार हमें प्रस्तुत कर दिया है और उसे आसानी से हमें बताया कि हमें करना क्या है। ए बी सी, ए मतलब एसोसिएशन, सबका मंगल भगवान का भक्तों के संग करें। बी बुक्स मतलब सभी शास्त्रों का अध्ययन करें। सी मतलब जानने, जपा करें, संकीर्तन करें। और डी इज डीटी वर्शिप और डायट, जितना हो सके हम भगवान के श्री गुरुओं की सेवा करें और भगवान के प्रसाद का ही अनुग्रहण। कितना आसान है, क्या यह करना मुश्किल है? और यदि हम ये कर देते हैं तो भगवान ने जो हमें आदेश दिया है भगवद गीता के 18वें अध्याय में, दो आदेश उन्होंने हमें दिए थे। पहला क्या था? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जैसे ही हम ये चीजों का पालन करते हैं, अपने आप को पालन किया। और दूसरा उन्होंने क्या बोला था कि मुझे स्मरण करे, मेरी सेवा करे, मेरी भक्ति करे और मुझे तो यदि हम एबीसीडी का पालन करेंगे तो यह आसानी से हो जाएगा। और इसीलिए हमें हमारी जो साधना भक्ति है उसे हमेशा करते रहना चाहिए और गुरु के आदेशों का पालन करते रहना चाहिए, तो हमारे इस मनुष्य जन्म का अवश्य हमें अच्छा फल प्राप्त होगा और हम मृत्यु की जो हमारी परीक्षा है उसमें यश प्राप्त करके सदा सदा के लिए गुरु वृंदावन में जाकर भगवान की सेवा कर पाएंगे। हरे कृष्ण। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सत्र हमारा 7:30 बजे शाम को प्रभु जी सनातन धर्म प्रभु जी गीता का सत्र लेते हैं, तो आप सब निमंत्रित हैं। आप 7:30 बजे भी आए, सुबह मंगल आरती होती है, हम सब चैटिंग भी कर रहे हैं। यदि आप हो सके तो कृपया इसी दिन पर ज्वाइन करें और उसके बाद मंगल आरती भी होती है। जैसे भी आपको चांस मिले कृपया मंदिर में भी आइए। पर अभी तो 1 तारीख को हमारा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हम लोग कर रहे हैं, तो आप सब से 2 तारीख को, हाँ रविवार को, तो 2 तारीख को रविवार को आप सब निमंत्रित है कि 2 तारीख को शनिवार, हाँ शनिवार, सॉरी शनिवार को आप सब लोग निमंत्रित हैं, तो रथ यात्रा में भी सम्मिलित हुई है। बाकी सेवाएं हैं, आपको सेवाएं दीजिए और जितना हो सके भगवान का साथ दीजिए और सब भक्तों के साथ लेकर आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।